इधर खरगोन में महेश्वर बांध विद्युत परियोजना के कर्मचारियों ने वेतन की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारी लंबे समय से श्रम विभाग के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन मांगे नहीं माने जाने पर उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों का कहना है कि परियोजना के 250 कर्मचारियों को 18 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से जीवन यापन मुश्किल हो गया है। श्रम विभाग ने कोर्ट में भी याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बांध के महाप्रबंधक और कंपनी संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और संपत्ति जब्त कर वेतन भुगतान करने का आदेश भी दिया है। महेश्वर जल विद्युत परियोजना के करीबन 250 कर्मचारी हैं, जो 29 मार्च 2016 से यहाँ श्रम अधिकारी के यहाँ पर हम धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे करीबन विगत 18 महीनों का वेतन बाकी है, जो करीबन 5 करोड़ रुपए बनता है, जो कि अभी तक हमें नहीं दिया गया। प्रशासन अपने स्तर पर कोशिश कर रहा है, श्रम विभाग अपने स्तर पर कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक जो हमारी वेतन की जो मांग है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसके चलते आज हमको क्रमिक भूख हड़ताल के लिए कदम उठाना पड़ा और ये भूख हड़ताल जब तक जारी रहेगी जब तक कि हम लोगों का वेतन नहीं मिल जाता है। जी हाँ, सीजेएम कोर्ट ने ये आदेश दिया है उनका कि अगर 2 मई तक वो कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं, गिरफ्तार होकर पेश नहीं होते हैं, तो 2 मई मजदूर दिवस के ठीक एक दिन बाद उनकी जितनी भी निजी संपत्ति चल अचल संपत्ति उसकी कुर्की की कार्रवाई न्यायालय प्रारंभ करेगा। हम कर्मचारी भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जहां जहां उनकी संपत्ति है, दिल्ली में, बॉम्बे में, इंदौर में, देवास में, पीतमपुर में, उन संपत्तियों की जानकारी हम लोग कर रहे हैं इकट्ठा और न्यायालय को पेश करेंगे। न्यायालय ने इस मामले में बहुत सख्त और कड़ा रुख अपनाया है। एक बार संपत्ति की जानकारी उनके पास जाएगी तो वेतन भुगतान की दिशा में हमें सफलता मिल जाएगी।